हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। तो हम आज करेंगे नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि क्यों ना नवरात्रि का फोटो एडिटिंग किया जाए, क्योंकि नवरात्र नज़दीक ही है, आने वाला है। तो अगर आपको भी सीखना है तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना है और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली ओपन कर लिया है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड को। टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिसाइज कर लेंगे, 29 एंड 80 हम कर लेंगे, 29-80 कर लेंगे रिसाइज। और यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो वाला मॉडल का पेंजी ले लेंगे जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है। और किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो हमने ऐड कर लिया है मॉडल के पीएनजी को और इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे और यहां से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहां प्लस दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और गर्ल का पीएनजी ऐड कर लेंगे। और इस गर्ल का पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इसको भी ऐड कर लिया और ये अपने मॉडल का पीएनजी को कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे और यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे 3 नंबर पर क्लिक कर देना है और इसको कुछ इस तरह से जूम करके एडजस्ट करना है आपको। और गर्ल के पीएनजी को भी कुछ इस तरह से जूम करके इसको एडजस्ट करना है। तो ऐड कर लिया है, यहां से डन कर लेंगे। फिर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, कुछ पीएनजी और उसको भी ऐड कर लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है पीएनजी डाउनलोड करने में, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहां पे लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे और एक यहां पे लगा देंगे और यहां से डन कर लेंगे। फिर ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और पीएनजी है उसको भी ऐड कर लेंगे, इसको कुछ इस तरह से ऐसे जूम करके यहां से डन कर लेना है। फिर ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहां एक पीएनजी और है उसको भी ऐड कर लेंगे और यहां ऐड पे क्लिक कर देंगे और इसको कुछ इस तरह से जूम करके यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और अपने फेस से इस इफेक्ट को हटा लेना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो फाइनली हमने हटा लिया है, यहाँ से डन कर लेंगे, फिर से डन कर लेंगे, फिर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और एक पीएनजी और बचा हुआ है उसको भी ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से बड़ा करके आपको नीचे की ओर ले आना है और इसको यहाँ से इसे एडजस्ट करके यहाँ से डन कर देना है। और जो टाइटल दिया है नवरात्रि स्पेशल का, उसको भी ऐड कर लेंगे, ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से इसे जूम करेंगे और इसे बड़ा करके यहाँ से आपको डन कर लेना है। तो ये देखिए फाइनली यहाँ से हमारी फ़ोटो बन चुकी है। अब इसको ले चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसका कलर। तो फाइनली अपने लाइटरूम मोबाइल में ओपन कर लिया है फ़ोटो को
कलर्स पर क्लिक करेंगे और मिक्स पर क्लिक करके इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है और सेचुरेशन को -14 कर लेना है और ल्यूमिनेंस को +17 कर लेना है और इस पर क्लिक करके इसकी सेचुरेशन को कुछ इस तरह से तेज़ बढ़ा लेना है और इस पर क्लिक करके इसको भी सेचुरेशन को कुछ इस तरह से 33 बढ़ा लेना है और इस पर भी क्लिक करके कुछ इस तरह से 17 बढ़ा लेना है और यहाँ पर क्लिक करके इसकी सेचुरेशन को भी बढ़ा लेना है ताकि फ़ोटो देखने में अमेजिंग लगे और कलरफुल हो जाए। फिर यहाँ से डन कर लेंगे और यहाँ पे लाइट पे क्लिक करेंगे और इसके कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेंगे 8 तक और इसकी ब्लैक को थोड़ा -8 कम कर लेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसे इसकी क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि फ़ोटो देखने में HD हो जाए। तो फाइनली हमारी फ़ोटो बनके तैयार हो चुकी है और यहाँ से सेव कर लेंगे।